पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं। ये देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आजादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नए आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का जरूरत है इस देश में। इस बात पे हमारे सहमति हो गई है, जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द।